सर्वेश अपनी प्रतिभा से इसने बड़े परचम गाड़े हैं। अभी अभी इसे काका हाथ रस्सी का जो प्रतिष्ठित हास्यंग पुरस्कार है वो प्राप्त हुआ। इसने अपनी खास शैली में इस बार लाल किले के कवि सम्मेलन का संचालन किया। तमाम तमाम ढंग से इसने अपनी प्रतिभा। अगर उन्होंने पीछे देखा, हम लोग उस जमाने में बैठे रहते थे चारों तरफ, तो मेरी बगल में हास्य व्यंग के युवा कवि बैठे हुए थे, तो उन बुजुर्ग सज्जन ने गजल पढ़ते पढ़ते पीछे देखा और हास्य व्यंग का कवि संयोग से अपनी पीठ खुजला रहा था, तो उन्होंने उस व्यक्ति के ऊपर व्यंग करते हुए एक शेर पढ़ा, क्यों नहीं नहाते हो सात सात दिन तक तुम, क्यों नहीं नहाते हो सात सात दिन तक तुम, रोज गर नहा लेते खुजलियां नहीं होती। अब बात तो अच्छी थी और वो बेचारा थोड़ा शर्मिंदा भी हुआ, चुप बैठ गया। उन महोदय ने फिर शेर पढ़ने शुरू किए और उनमें श्रृंगार के बड़े जीवंत और बड़े उष्ण संदर्भ आए। ध्यान रखिएगा, बुजुर्गवार थे, बाल सफेद हो चुके थे, लेकिन श्रृंगार के बड़े अद्भुत शेर पढ़ रहे थे। अब उस लड़के की होती और मैं हाथ जोड़ करके कहना चाहता हूं कि मत करो बुढ़ापे में, मत करो बुढ़ापे में इश्क की तमन्नाएं, मत करो बुढ़ापे में इश्क की तमन्नाएं, क्योंकि फ्यूज बल्बों में बिजलियां नहीं होती, क्योंकि फ्यूज बल्बों में बिजलियां नहीं होती। तो ऐसी परिस्थितियां हैं जो बनती रहती है। आइए हम सर्वेश अस्थाना को सुनते हैं। उनका भी इशारा उधर ही है जिधर आपका इशारा। बहुत अच्छे, क्या बात है, दोनों लोग हम उम्र हो, दोनों का करेक्टर एक जैसा। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन। शुरू में हम लोगों को लगा था कि हम लोग सब नीचे बैठेंगे, एक एक आके पढ़ेगा, बाकी सब लोग वाह वाह करेंगे। लेकिन जब शुरू हुआ तो आप लोग जितने लोग आए उतने ही लोग अभी तक हैं, दो चार लोग गए हैं जिनको भगवान ने उठाया है। बाकी सब लोग हैं यहाँ पर। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चला और हरदोई तो मेरे लिए हमेशा मेरी सांसों का शहर है, मेरे अपने खून का शहर है, मेरा अपना ज़िला है, अपना शहर है। तो जब भी कभी मुझे हरदोई आने का अवसर मिलता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने माँ की गोद में जा रहा हूँ, अपने पिताजी के चरण छूने जा रहा हूँ। बहुत अच्छा। और जिस बात पर मैं आप सबका आशीर्वाद चाहता हूँ कि मेरे पिताजी ने इसी विद्यालय से कभी इंटरमीडिएट पास किया, तो हालांकि वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी स्मृति है और आप सब लोग हैं। वाह। जो लोग अग्रिम पंक्ति में बैठे हैं, मैं उनसे चाहूंगा कि वो आगे की तरफ ही देखें। ठीक है ना सर, पसंद धीरे धीरे खुलेंगे। लखनऊ में रह रहे हैं पिछले 40-45 साल से, तो थोड़ी आदत खराब हो गई है। आपको छोड़कर दूसरे देख ही नहीं सकते हैं। ये आपका टेस्ट जो है आपको आशाराम बापू तक पहुंचा के मानेगा। नहीं, ये प्रयास की बात है, लेकिन बहुत अच्छा है। इश्क मोहब्बत की बात की बुजुर्ग ने कहा, बस ये लड़कियां और ये सब हमारे शहर के सनकी जी हैं, उन्होंने दो पंक्तियां कही थी, उसके बाद दो तीन पंक्तियां मैं कहूँगा। सनकी जी ने कहा था, दादा वो तो बुजुर्गों के लिए अच्छा, अंबर का संचालन कर रहे हैं, जब योगिता पढ़ रही थी श्रृंगार की कविताएँ, तो कह रहे थे वो हकलाहट वाला फिर पढ़ दो। और अपने को बचाने के लिए बेटा भी लगा दे रहे थे। कह रहे थे बेटा वो हकलाहट वाला फिर पढ़ दो। भाई जब आप स्मृतियों में चले गए हैं तो बेटा क्यों कह रहे हैं, खाली कह दो ये पढ़ दो। असल में स्मृतियों में जो चले गए हैं, जिनकी स्मृति में चले गए हैं वो इनके माँ की बराबर ही होगी। यानी कुल मिलाकर के कढ़ी अब भी उबल रही है।
ऐसा है बच्चे, जिंदगी को बहुत गंभीरता से देखा करो। अगर अंगारे के ऊपर सफेद राख जम जाए तो इसका मतलब नहीं कि आग समाप्त हो चुकी है। तो संकी जी ने कहा, आप समझ जाएंगे आग और राख का सब सारा चक्कर, कि कौन कहता है बुढ़ापे में अमरदास सुनेगा। सर आप भी सुनेगा और अध्यक्ष जी खास करके सुने। कौन कहता है बुजुर्गों में इश्क का सिलसिला नहीं होता? कौन कहता है बुजुर्गों में इश्क का सिलसिला नहीं होता? अरे आम तब तक मजा नहीं देता जब तक पिलपिला नहीं होता। तो अब दो पंक्तियां और सुनिए कि कौन कहता है, ये मंच पर घूमती रहती है, मंच के लोगों को नहीं पता कि ये पंक्तियां किसने कही। अब जो पंक्तियां होने जा रहे हैं दादा, वो पंक्तियां मैंने कही। और ये जो पंक्तियां हैं, ये मंच पर पिछले लगभग 20 साल से टहल रहे हैं। हाँ, लोग कह रहे हैं कि बुढ़ापे में भी जवानी का जोश होता है, बुढ़ापे में भी जवानी का जोश होता है। अरे तन भले कछुआ है पर मन खरगोश होता है। बहुत अच्छा है भाई, अच्छा है। वाह 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 वाह, ये बुजुर्गों के समाज में था। बहुत अच्छा। और अगर हास्य का कभी श्रृंगार की पंक्तियां कहे तो वो कैसे कहेगा, जब मैं भगवान कसम से कह रहा हूँ, झूठ आज तक यहाँ से सर्वेश अस्थाना शुरू होते हैं। झूठ आज तक हमने कभी बोला ही नहीं है, आज भी नहीं बोलेंगे। और फिर अध्यक्ष जी के रहते मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है। 1.5 घंटे से हर कवि की तारीफ कर रहे हैं। जब कवियत्री पढ़ रही थी तो हमारी तरफ झुक के कह रहे थे कि अच्छी है। मैं भगवान कसम कह रहा हूँ, मैं ये नहीं समझ पाया कि कविता के लिए कह रहे हैं कि कवियत्री के लिए कह रहे हैं। ये ऐसे है, लेकिन वो कविता के लिए ही कह रहे थे। और कुछ नहीं सकता, अगर श्रृंगार का कवि, अगर हास्य का कवि श्रृंगार की बातें करे तो कैसे कहेगा, उसको कोई सीरियसली तो लेता नहीं। हास्य के कवि को कभी सीरियसली नहीं लिया जाता। हम को एजुकेशन में पढ़ते थे, हम लाख कोशिशें करते रहे, कभी हमको कंगन देने की नौबत नहीं आई। वो बताया कि एक निगाह से मर जाते थे, कुछ बताया था ना, हम एक निगाह से तो मर जाते थे और दूसरी निगाह आती थी तो हम जी उठते थे। अच्छा, हम ये भगवान कसम सही, हम लखनऊ में राजेंद्र नगर में रहते, वहां पर नवयुग कन्या विद्यालय है, हमारे घर के ठीक सामने था, तो हम दिन भर जीते मरते रहते। ये बिल्कुल सच है। और इसी चक्कर में जब बहुत सारे ऑप्शन होते हैं सिन्हा साहब, तो कोई ऑप्शन नहीं मिल पाता, अंत में सीएसएन कॉलेज में पढ़ाना ही पड़ता। ये होता है। तो अगर सीटी हमें देख के क्यों बजा रहे, हमें देख के सीटी बजा रहे हैं, ऐसा मत करिए। तो हास्य का कवि श्रृंगार की पंक्तियां कहेगा तो कैसे कहेगा, थोड़ा खुलिएगा। आज हास्य के दो ही कवि रहे तो पूरा लोड हम दोनों पे आ गया। कि मैं अक्सर सोचता हूँ तुम मिलो, मैं अक्सर सोचता हूँ तुम मिलो। अच्छा, अब ये हम भी अर्धोई की है तो हम सबको समझ तो जाते हैं आप क्या कह रहे हैं, लेकिन लोड उतर चुका है। तो क्या है, उनकी उनकी बुझी आंखों को देखकर हमने कहा, प्रिय क्या गम है? वो बोली, लोड ज्यादा है वोल्टेज कम है। आज अंबर दा हमारे, आज शिव अंबर दा जो है, सबसे अच्छा वही के। अच्छा भैया, फोटो खींच लो भैया, ये रोज जीतन मरते हैं पता नहीं फिर। मैं आपके बहुत उज्जवल भविष्य की कामना करता, आपने मुझे माला पहनाया है।
क्या किया जाए। श्रृंगार की पंक्तियां सुना रहा हूँ, मैं व्यंग्य सुनाऊंगा, मैं बस थोड़ा सा वातावरण परिवर्तित करने के लिए आपकी मुस्कुराहटें चाहता हूँ, फिर मैं आज विशुद्ध व्यंग्य पढ़ना चाहता हूँ। मैं अक्सर सोचता हूँ तुम मिलो कुछ बात हो जाए। वाह, हास्य का कवि श्रृंगार की पंक्तियां कह रहा है, क्या बात। मैं अक्सर सोचता हूँ तुम मिलो कुछ बात हो जाए, घिरे बादल घने से और फिर बरसात हो जाए। अरे क्या बात है, घिरे बादल घने से और फिर बरसात हो जाए। मैं तुमको साथ लेकर कार से जब घूमने निकलूं कि पंचर हो सभी टायर वहीं पर रात हो। वाह 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 वाह, ये भैया हमसे कह गया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इसकी मोटरसाइकिल पंचर हुई होगी। संभल जाऊंगा मन में यदि कभी भी पाप आ जाए, जब मेरे सामने कोई चाय बांटता तो मैं कभी रोकता नहीं हूँ, क्या पता किस दिन प्रधानमंत्री बन जाए। अब नहीं रोकना है, किस दिन नहीं रोकना, क्या पता किस दिन प्रधानमंत्री बन जाए, साफा बांधने ही लगा है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वाह वाह शुक्रिया। प्रैक्टिस कर रहा है बस, उसको पहुंचना है। तो संभल जाऊंगा मन में यदि कभी भी पाप आ जाए, मैं बच निकलूंगा रास्ते में अगर कोई सांप आ जाए। अबे चौथी लाइन पर वाह करे, अबे क्या कर रहे। संभल जाऊंगा मन में यदि कभी भी पाप आ जाए, मैं बच निकलूंगा रास्ते में अगर कोई सांप आ जाए। बड़ी मुश्किल पड़ेगी तब मुझे खुद को बचाने में, मैं जिसको चूमना चाहूं उसी का बाप आ जाए। असली करेक्टर दादा ये है, ये असली करेक्टर है, सब हमारी तरह हैं यहाँ पे। भीतर भीतर हम पढ़ते थे वहाँ लखनऊ में डीएवी कॉलेज में, कोई एजुकेशन था, रहते नवयुग कॉलेज के सामने थे, कोई एजुकेशन था, हम लोग बड़े डरपोक टाइप के थे, जैसे तुमने बताया ना कि वो नाम पूछा तो हकलाने लगे, तो हम लोग तो देख के हकलाते थे। तो ये पंडित रामकिशोर जी बैठे हमारे साथ, ये पढ़ते थे, हालांकि हमारे सबसे बड़े भाई साहब के साथ भी पढ़ते थे। नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, भगवान कसम से कह रहा हूँ। तिवारी जी हमारे सबसे बड़े भाई साहब के साथ पढ़ते थे नाइन्थ में, फिर उनसे छोटे भाई साहब के साथ थे नाइन्थ में, फिर उनसे छोटे के साथ नाइन्थ में, फिर मेरे साथ भी नाइन्थ में थे, फिर मैं निकल गया, ये अपना वहीं रहे। उसके बाद उनकी वहीं टीचरी की नौकरी लग गई आराम से। तुमने कहा रामकिशोर जी आप आगे क्यों नहीं पढ़ते हैं, बोले मैं ब्राह्मण का बेटा हूँ, जो श्लोक एक बार रट लिया उसके अलावा दूसरा नहीं रटना। बस बहुत बड़ी बात है। ऐसे नाथा का जवाब नहीं है, नाथा का जवाब नहीं। तो हम लोग कैसे प्यार करते थे, कैसे मोहब्बत करते थे। तो हम और रामकिशोर तिवारी जी इस करते थे, दो लड़कियां चली आ रही होती थी, एक पीले सूट में होती थी, एक लाल सूट में होती थी। तो रामकिशोर जी कहते थे सर्वेश पीली वाली मेरी, लाल वाली तुम्हारी। बस इतने से ही हम लोगों की मोहब्बत खत्म हो गई, आज तक कभी कुछ नहीं हो पाया। सुनिए, मैं हरदोई में आता हूँ तो अपना घर जैसा लगता है। चार पंक्तियाँ कहता हूँ कि क्या बतलाऊँ इस धरती पर कैसा लगता है, वाह इस मिट्टी का जर्रा जर्रा अपना अपना लगता है। क्या बतलाऊँ इस धरती पर कैसा लगता है, इस मिट्टी का जर्रा जर्रा अपना लगता है। मंदिर मस्जिद गिरजा द्वारे चाहे जैसे हों, लोग जहाँ अच्छे होते हैं अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, अच्छे वाह 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 सर्वेश्वर बहुत अच्छा। अब कैमरा वाला चला गया पंडित जी। एक्चुअली अभी माले बचे हैं 22, अब हम कभी बचे हैं 2.5, भला हम आधा पड़ चुके हैं, एक ये बचे दादा हमारे रामकिशोर तिवारी जी, तो 22 माले खत्म करने हैं अंत में। नहीं तो ये हमारा जो तिवारी है भैया, इसने हमको बुलाया है अजीत ने, इससे पैसे पड़ जाएंगे कि माले यूज नहीं हुए पूरे, इसलिए तो हम लोगों को जबरदस्ती पहनाया जा रहा है। हम जानते हैं, हम दो कौड़ी की बातें कर रहे हैं, उस पर हमें माला पहना रहे हैं।
हमको लग नहीं रहा था कि यहाँ पर श्रोता आएंगे, लेकिन आप आ गए। चार पंक्तियाँ और कहता हूँ कि आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं। वाह, हरदोई शहर के लिए आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं, इस महक के फूल अब खिलते नहीं हैं। अरे आप चलकर आ गए हैं, शुक्रिया, लोग तो भूकंप में हिलते नहीं। आप चलकर आ गए हैं, शुक्रिया, लोग तो सिन्हा साहब बहुत बड़ी बात कह दी। चलिए, अभी जब ओबामा साहब आए तो पूरी दिल्ली में 15,000 CCTV लगाए गए। दादा 15,000 CCTV लगाए गए, तो हमने कहा ये 15,000 CCTV क्यों लगा रहे हो भाई, अमेरिका का राष्ट्रपति है, कुछ चुरा के नहीं ले जाएगा। लगे, लेकिन एक बात और हुई कि पूरी दिल्ली से भिखारी हटाएगा। अब मैं व्यंग की यात्रा शुरू करना चाहता हूँ, आप मेरे साथ जुड़िए। पूरी दिल्ली से सारे भिखारी हटाए गए, तो आखिर भिखारी क्यों हटाए गए? मैं एक व्यंग का आपको देता हूँ और मेरा शहर मुझे आशीर्वाद दे दे, बस। हमने प्रधानमंत्री जी से पूछा, प्रधानमंत्री जी ये सच है कि अमरीका के राष्ट्रपति बराक ओबामा जी आ रहे हैं? जुड़ना, ये सच है कि अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा जी आ रहे हैं, पर आप हमारे देश के सम्मानित भिखारियों को उनके फुटपाथ पर से क्यों हटा रहे हैं? बहुत अच्छा। उनके सम्मानित भिखारियों को फुटपाथ पर से क्यों हटा रहे हैं? इस पर वो बोले, अस्थाना जी, भिखारियों को हटाना हमारी मजबूरी है। मजबूरी में अगर आपको व्यवस्थागत व्यंग दिखाई पड़े तो पढ़ी लिखी तालियां आमंत्रित करता हूँ। वो बोले, अस्थाना जी, भिखारियों को हटाना हमारी मजबूरी है, क्योंकि एक बड़ा कटोरा फैलाने के लिए छोटे छोटे कटोरे हटाना जरूरी है। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा सर्वेश्वर, वाह 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 वाह, छोटे छोटे कटोरे हटाना जरूरी है। बहुत अच्छा। एक क्षणिका मैंने लिखी, ये जो कंस्ट्रक्शन डिविजन होते हैं हमारे देश के, वो किस तरह से काम करते हैं। ये क्षणिका मेरी घनश्याम अग्रवाल जी के एक व्यंग लेख से मेल खा गई, तो मैंने उनको फोन करके कहा कि दादा ये आपके व्यंग लेख से मेल खा गई, पता नहीं कैसे, मुझे पता नहीं, व्यंगिका आप सुनिए, पुरानी व्यंगिका है, कि विभाग ने पुल पर ये इल्जाम लगाया, विभाग ने पुल पर ये इल्जाम लगाया कि सारा सीमेंट और लोहा इसी पुल ने खाया। वाह, सब पढ़े लिखे लोग हैं। पुल पर विभाग ने ये इल्जाम लगाया कि सारा सीमेंट और लोहा इसी पुल ने खाया, पुल गिड़गिड़ाता रहा, अपने आप को निर्दोष बताता रहा कि ये मुझ पर विभाग ने गलत इल्जाम लगाया, मैंने पूरा सीमेंट और लोहा नहीं खाया, मैंने पूरा लोहा और सीमेंट नहीं खाया। लेकिन अदालत में वो रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन फैसला उसके खिलाफ ही आया कि सारा सीमेंट और लोहा इसी पुल ने खाया, कि सारा सीमेंट और लोहा इसी पुल ने खाया। पुल अपने ऊपर लगाया गया ये इल्जाम सहन कर गया। अगली पंक्ति पर आशीर्वाद की तालियां उठें। पुल अपने ऊपर लगा ये इल्जाम सहन कर गया और अगले दिन ही नदी में कूद कर मर गया। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, कूद कर मर गया, बहुत अच्छा। जब हम लोग बैठे थे, गौरव चौहान चला गया आराम कर रहा, गौरव चौहान ने कहा, दादा मैं मुंह धोना चाहता हूँ। हमने कहा क्यों? तो उसने एक जानवर का नाम लिया, बोला मैं उसके जैसा लग रहा हूँ। उसने कहा तो था कि मैं कुत्ते जैसा लग रहा हूँ, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं कि उसने ये कहा था। नहीं, बिल्कुल भगवान कसम से घटना है, ये गवाह है, ये बैठे। मैं कहा मैं कुत्ते जैसा लग रहा हूँ, मुंह धोना चाहता हूँ। हमने कहा मुंह धो के क्या करोगे? बोला थोड़ा बहुत आपके जैसा हो जाऊंगा। हम समझ गए हमारी खिंचाई कर रहा। हमने कहा हम तो बकरे जैसे लगते, तो कुत्ते से बदल के बछड़ा नहीं बन पाओगे, बकरा बन जाओगे। और वही स्थिति में आज मंच पे भी अपने आप को समझ रहा था। दाढ़ी बिल्कुल बंदर जैसा, मुझे कहा भी गया ऐसा लग रहा है जैसे मैं जंगल का बंदर हूँ, और सिंह जो है वो संचालन कर रहे हैं, शेर साहब। क्या था, शेर जंगल का राजा था। मैं फिर व्यंग की बात करने जा रहा हूँ, क्यों नहीं चलते हैं, बचाएंगे बंदर। पहुंचा, देखा शेर बच्चे को दबा